फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलमगर और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं लौकी के कोफ्ते बनाना। बहुत ही बढ़िया ये फूले फूले और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। इसको बनाने के लिए 500 ग्राम लौकी ली हुई है। लौकी को सबसे पहले छील लेंगे और उसके बाद मैंने इसको साफ पानी से धो लिया है। लौकी को धोने के बाद इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। लौकी को एक बार आप कद्दूकस करने से पहले चेक कर लेना कि इसमें कोई मोटे वाले बीज नहीं है। अगर इसमें बीज है तो आप इसको बीच में से कट करके उसको बीज को रिमूव कर दें और लौकी को कद्दूकस कर लीजिएगा। सारी लौकी को हमने मोटे वाले हॉल में कद्दूकस कर लिया है। एक बड़े से बाउल में लौकी को ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। आधा किलो कद्दूकस की हुई लौकी में मैंने 1 कप बेसन ऐड किया है। सबसे पहले इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ करेंगे। इसको कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी के जार में डालकर भी पीस सकते हैं। तो मैंने इसमें 2.5 सर्विंग स्पून बेसन ऐड किया है। कप से अगर इसको नापेंगे तो ये 1 कप बेसन है। और लौकी में आपको बिल्कुल भी इसमें पानी मिक्स नहीं करना है। 1/2 चम्मच इसमें मैंने हल्दी ऐड किया है। 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर इसमें ऐड कीजिएगा। 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी ऐड किया, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च इसमें ऐड कर दीजिएगा। 1/2 चम्मच इसमें नमक ऐड किया है और थोड़ा सा इसमें हींग ऐड करने के बाद सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। और अभी आपको ये थोड़ा सूखा सूखा लगेगा, बट आप इसको जिस तरीके से मिक्स करते जाएंगे ना, तो लौकी और नमक को मिक्स करके इसमें पानी रिलीज़ होता है और लौकी में वैसे भी बहुत सारा पानी होता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट ये बैटर बनकर तैयार हुआ है। इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सूखा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच इसमें पानी ऐड कीजिएगा। या फिर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लूज़ है बैटर, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर दीजिएगा। सारे कोफ्ते को मैंने रोल कर लिया है और एक साइड ना ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में भी इसको नहीं फ्राई करना है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल में इनको फ्राई करना है। मीडियम हाई फ्लेम की हुई है और ऑयल देख सकते हैं बढ़िया गर्म हो चुका है और इन पे हल्का हल्का कलर आ चुका है कुछ देर बाद। तो इनको अलटते पलटते हुए सारे कोफ्तों को हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो सारे कोफ्ते एक ही बार कढ़ाई में मेरे आ गए थे, तो मैंने इनको सभी को एक साथ एक ही बैच में फ्राई कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने इनको घुमा दिया है, जिससे ये अच्छे से घूम जाएंगे, टर्न हो जाएंगे, तो अपने आप इसे ही अच्छे से इन पर चारों तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा। कोफ्तों को बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं करना है। तो इनको अलटते पलटते हुए सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते बहुत बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, आप देख ही सकते हैं। सभी को हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई का यूज़ करेंगे। इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और 2 चम्मच इसमें ऑयल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कोफ्तों के लिए तड़का तैयार कर लेंगे। 1/2 चम्मच इसमें जीरा ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच सौंफ ऐड किया है। 1/2 चम्मच मैंने साबुत धनिया इसमें ऐड किया है। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच भुना हुआ 1/2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिएगा। 1/2 चम्मच हल्दी ऐड किया। 1/2 चम्मच कसूरी मेथी इसमें ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। सभी मसालों को भून लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मसालों को भूनना है। मसाले पे धीरे धीरे हल्का सा कलर आ चुका है। मसाला भूनकर तैयार हो गया है। कद्दूकस किए हुए टमाटर इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। टमाटर और मसाले को मिक्स करने के बाद इनको तब तक हमें भूनना है लगातार चलाते हुए, जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो धीरे धीरे इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया और मसाले का कलर भी चेंज हो गया। तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हुए मसाले को अच्छे से पका लेंगे। मैं कसूरी मेथी ऐड की है, इसको भी मिक्स कर लेंगे और बाकी बचा हुआ पानी भी इसमें ऐड कर देंगे। 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर देना। इसको भी मिक्स कर लेंगे और एक पानी में एक बॉईल आने देंगे। तो करी में एक बॉईल आने देते हैं। थोड़ा सा नमक इसमें मैंने और ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो पानी में एक बॉईल आ चुका है, कोफ्ते इसमें ऐड कर देंगे। तो
कोफ्ते की करी को हम थोड़ा सा पतला ही रखेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद पानी को अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं करी को, तो इनको कवर कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसमें पका लेंगे। कोफ्ते बहुत बढ़िया से पक चुके हैं, इन पे कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। इतना आपको करी इसमें रखनी है क्योंकि ठंडा होने के बाद तो ये इसको पी लेते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये बनकर तैयार हुए हैं। तो इनको हम डिश आउट कर लेंगे, कितने बढ़िया कोफ्ते बने हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं इस तरीके से। तो इसके ऊपर धनिया मैंने गार्निश किया है, आप इसे पराठे पूरी फुलके या राइस के साथ भी खा सकते हैं। और आप इसको ऐसे भी खाएंगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। देख सकते हैं कितने ज़्यादा बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा फूल गए हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो मैंने इनको सिंपल चपाती के साथ सर्व किया है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। आई होप आज की ये कोफ्तों की रेसिपी आप सभी को पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।